हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं एक और नए घरेलू उपचार के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मलेरिया के बारे में कि मलेरिया किस तरह से फैलता है और आप इसके उपचार के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मलेरिया होता है वह मच्छर के काटने से होता है, और जो ये मच्छर होता है वह मादा मच्छर होती है और इसका नाम होता है मादा एनेफिलीस मच्छर। तो दोस्तों, इसकी वजह से, इसके काटने से आपको मलेरिया हो जाता है। जो मलेरिया का बुखार होता है वह सर्दी देकर आता है और पसीना देकर उतर जाता है। तो आप इसके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं, फिटकरी का प्रयोग आपको किस तरह से इसका प्रयोग करना है। 1 ग्राम फिटकरी 2 ग्राम चीनी में मिलाकर मलेरिया आने से पहले 2-2 घंटे में 2 बार करें या 2 बार इसे पिए। मलेरिया इससे नहीं आएगा, और यदि आता भी है तो बहुत कम आएगा। दूसरी बार भी जब मलेरिया आने वाला हो तो इसी प्रकार से इस प्रयोग को अपनाएं। और जो लोग कब्ज के रोगी होते हैं उन्हें इससे प्रयोग को नहीं करना है, इससे आपको कब्ज हो सकती है। यदि आपको कब्ज हो तो पहले आप कब्ज को ठीक करें, इसके बाद ही इस प्रयोग को करें, वरना यदि आपको कब्ज है तो आप इसका प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, यह प्रयोग जो है वह मलेरिया को ठीक करने में कारगर है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।